हेलो दोस्तों, आरएचपी केसेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आप हम एक सुपरस्टार गायक रामधन गोड़ सर से आपकी एक मुलाकात कराते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए, हेलो रामधन जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार कंसाना जी, नमस्ते। हम जैसे भी यूट्यूब चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपने मैंने देखा है कि कई बार मैं एक बार बाहर गया था, अच्छा। जो मैंने एक दोस्त का फोन सर्च किया था, यूट्यूब चला रहा था, तो उसमें आपके नाम डालने थे, इतने सारे गाने आ गए थे कि जिस मतलब लाइनें खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा क्या है? जे मेरे माँ बाप, मेरे गुरु द्वारकादास महाराज, यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा, मेरा पूरा भारत देश, सब मेरे श्रोताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद। तो भगवान की माँ सरस्वती कृपा है कसाना जी, सब अच्छा, मेरे गाने जब भी रामधन गुर्जर बोलते हैं तो तुरंत गाने निकलते हैं ढेर सारे, और काफ़ी कंपनी में गाया मैंने, टी सीरीज में भी गाया, सोनोटेक में भी गाया, त्रिमूर्ति, अंजना, मुझे तो ध्यान ही नहीं जा रहा कितनी कंपनी में मैंने गाया है जी। तो आजकल आपकी आरएचपी कैसेट में भी बहुत सारे हाँ, आर एच प्रोग्राम बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल आर एच पी कैसेट में चल रहे हैं। आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद रहा तो आर एच पी कैसेट नहीं, हमारा तो फुल आशीर्वाद है आपके लिए। हाँ जी। और आपका नाम रामधन गुर्जर था, अब लोग बाग बोलते हैं रामधन गुर्जर राजे हिंदुस्तानी, ऐसी क्या बात है? ये आपका गोत्र है या आपको फेमस नाम लगा? देखिए, राजा हिंदुस्तानी नाम मेरा इस तरीके से पड़ा है कि एमपी क्षेत्र में मैं जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए तो लाखों की भीड़ हो जाती है, पुलिस द्वारा मुझे स्टेज तक पहुँचाया जाता है, तो जब जनता दिखती है मुझे, तालीन की गड़गड़ाहट होती है तो मेरी छाती एकदम चौड़ी हो जाती है, माँ सरस्वती की कृपा है। और पूरे ही राजस्थान, पूरी एमपी, यूपी में, और जब गाने गूंजते हैं तो मैं मुझे लोग बाग पुकारने लगते हैं, राजा हिंदुस्तानी रामधन गुर्जर, इसलिए राजा हिंदुस्तानी मेरा नाम रखा गया, पब्लिक ने, एमपी की पब्लिक ने मेरा नाम रामधन गुर्जर राजा हिंदुस्तानी बना दिया है अच्छा, जी। मैंने सुना है कि पहले आप बकरी भी चलाते थे, आपकी मतलब जो गृहस्थी की घर की सृष्टि मतलब बेहद ही गरीब नहीं, थे। ये सब गलत बात है। देखिए, शौच आने वाले होते हैं वीर सिंह जी, कंसाना जी, हाँ शौच आने वाले होते हैं, फिर मैं कम से कम 20% तो जलने वाले भी होते हैं, सब ऐसी बात नहीं है। हाँ वो तो है। तो जलने वाले वो अफवाह उड़ाते हैं, ये गलत बात है। मैंने ना तो आज तक कोई बकरी चराई, थोड़ी सी परेशानी थी, कमज़ोर थे भाई, गृहस्थी में गरीब स्थिति थी मेरी बहुत ज़्यादा। तो एक बार मैं सूरत यानी अहमदाबाद चला गया धंधा करने के लिए, वैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री, वहाँ में काम करते थे, 30 रुपये रोजाना मिलते थे हमें, एक बंडल मिलता था बीड़ी का, अच्छा, बीड़ी भी पीते थे बीड़ी भी पीते जी। अब माता रानी का आशीर्वाद हुआ है तो भाई, अब तो दो वक्त की रोटी माता रानी दे रही है, प्रोग्राम आते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का आशीर्वाद है, टी सीरीज, सोनोटेक, अंजना, सुपर अंजना, विमल कैसेट, बहुत सारी ढेर सारी कंपनी, चेतन कैसेट, ढेर सारी कंपनी से, और मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे गाने कितने हैं, कितना मैंने गाया है, थे। अच्छा, हकीकत रियल बात जी। हाँ मैंने सुना है कि मतलब करौली में एक कलेक्टर आया था नीरज के भवन, तो जी आपका एक रसिया था पीरे सलवार परकम्माम भटिया, हाँ उसको उस गाने पर आप कलेक्टर साहब ने आपको मुर्गा भी बनाया था और थोड़ी बहुत डांट भी लगाई थी, ऐसा सुना है मैंने देखिए, कुछ। मैंने वो पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि 100% में से 20% लोग ऐसे होते हैं अफवाह फैलाने वाले, और जो चंद्रमा पे थूकता है वो थूक खुद के स्वयं के मुंह पे ही पड़ता है, चंद्रमा पे थूक नहीं पड़ता। नहीं पढ़ता। तो जलने वाले लोगों ने अफवाह उड़ा दिया, नहीं तो मैंने तो आरक्षण के टाइम पर देवरण गांव में भी प्रोग्राम किया था, बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे आरक्षण के, गंगा पर मोड़ पर, तो कलेक्टर साहब उसमें आए आराम से, उन्होंने गाने सुने, कर्नल साहब के साथ बहुत प्रोग्राम करे मैंने, ये तो बकवास उड़ाने वाली बात है सर। हाँ आपकी कुछ बचपन की यादें आपको याद हैं जो आपने मतलब अनजान से की हो या कुछ अलग हो गए? बचपन में तो कंसाना जी बहुत उदम मचाए हैं, अच्छा,
बचपन में तो इतने सारे उधम मचाए हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक हमारे जो मैं मेरा जन्मभूमि है धौलपुर के पास नीम की बसई गांव है, अच्छा तो वहाँ नीम की बसई के मैं गांव से थोड़ा ना एक पास में ही है, तो वहाँ पे मैया का मंदिर है, दुर्गा माता का, बुढ़वा माता बोलते हैं, तो अच्छा वहाँ पे बाबा रहते थे, तो टिक्कर बना के रख जाते, तो हम छोटे छोटे से चले जाते, दो लड़का चाचा के थे, एक पातीराम था उससे छोटा, अब चले जाते तो टिक्कर ने उठा लाते, सब्जी उठा लाते, बाबा को बहुत ज़्यादा तंग करते। अच्छा तो ऐसी ऐसी हरकत करते रहते, अब तालाब होता तालाब में कूद जाते, भैंसने की पीठ पे बैठ के भैंसने पे चल रहे। तो बचपन में की तो बहुत सारी यादें आती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ज़्यादा मजा था मतलब सरकार बचपन में आप बहुत सा शरारती थे। जी। अच्छा, मतलब यह आपने गायकी शुरू की तो मतलब शुरू कहाँ से की, कैसे की? शुरू ऐसे की के देखिए, हमारे परिवार में ही हमारे ताऊ के लड़के हैं, कीर्तन मंडली थी, अच्छा तो वो कीर्तन गाते थे, तो हम वहाँ बैठे रहते थे, तो मतलब उनके साथ साथ गाते रहते, ऐसा शौक लग गया कि पढ़ाई पे ध्यान, दिमाग ही नहीं लगा बिल्कुल अच्छा पढ़ाई से मन उठ गया आपका? बिल्कुल, जैसे जो डीजल की कट जो पीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, केन पीपी वगैरह कैन में पीपी, भी। उनको बजाते और गाते रहते, अजीब काम, अच्छा भूत सवार, स्कूल में पढ़ने जाते तो पिछवाड़ जाके गाने गा रहे हैं रसिया, अच्छा हाँ वहीं चल रहे आराम, रसिया धुआं था ऐसे करके जब मैंने सुना है कि आप एक बार ब्रह्मबाद के मेले में गए थे, तो जी। वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें आपको फर्स्ट बार गाया गया था, ऐसा सुना है मैंने कुछ। ये सच है आप या गलत? बिल्कुल कैसे। मतलब ब्रह्मबाद का मेला था, एक बार आप गए बताए उसमें, जब हाँ उसमें एक प्रोग्राम हो रहा था लाइव, हाँ जब आपको प्रोग्रेस किया गया था वहाँ पे जी। गाने के लिए, जब आपकी पहली बार मतलब दोस्तों ने आपको हिम्मत दिलाई, जब आपने पहली बार वहाँ गाया था या कहीं और भी गाया था? नहीं, पहली बार तो मेरा प्रोग्राम सबसे पहले है, तो मैंने हारमोनियम जो सकरघटा वाली माता है चामुंड मैया, उनका आशीर्वाद बड़ा भयंकर है मेरे ऊपर, अच्छा चामुंड मैया ने ऐसा आशीर्वाद रखा, पहला प्रोग्राम मेरा चामुंड मैया के मंदिर से स्टार्ट हुआ, अच्छा दूसरा प्रोग्राम मेरा हुआ जगदीश महाराज के मेले में, अच्छा बस जगदीश महाराज का और चामुंड मैया का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद रहा है, मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मतलब वो आप अब तक कितनी कंपनियों में गा चुके हैं, आपको कुछ याद है? कंपनी बहुत सारी ने मंगाया, टी सीरीज, सोनोटेक, और पता ही नहीं राजस्थान की वो है, मधुर कैसेट है, सनराज कैसेट है, विमल कैसेट, मुरैना, कमल कैसेट, जितनी कैसेट अच्छा थी कंपनी थी, त्रिमूर्ति, राठौर, सब कंपनी, तो कोई नहीं रही कि मतलब जिसमें मेरा एक नंबर नहीं हुआ हो। मतलब आपके प्रोग्राम में भी डांसर आते हैं, तो मैंने सुना है आपके प्रोग्राम में सपना चौधरी भी आ चुकी हैं, नहीं ऐसा जो कुछ नहीं, हरियाणा की मशहूर हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं सपना चौधरी जी नहीं आई प्रोग्राम में अच्छा जी। ठीक है, और मुलाकात करा, ठीक चलो ठीक है, तो है, नमस्ते। नमस्ते, राम राम।